हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके लवर्स हैं, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, उनको आप में क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। ये मैं डिफरेंट देखूंगी, ठीक है। कुछ कार्ड्स लूंगी जिनमें पता चलेगा कि उनको आप में क्या बातें पसंद हैं, कुछ कार्ड्स देखेंगे कि जिनमें पता चलेगा कि उनको क्या नहीं पसंद आप में, ठीक है। उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं आप लोगों को लेके। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ एंड ऑल नोटिफिकेशन को मस्ट क्लिक करें ताकि आप कोई भी रीडिंग मिस ना कर सकें। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मेरे इंस्टा पे भी मिल जाएगा। इंस्टा का आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, मुझे वहाँ पे मस्ट फॉलो करिए, बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा गाइस कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम पे ही मुझे ज्वाइन करेंगे। ओके, सो इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप एनर्जीज एक्सचेंज कर सकें। सो अपने पर्सन पर फोकस करिए, पॉजिटिव रहिए। देखते हैं उन्हें आप में क्या पसंद है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। आपके पार्टनर्स, आपके लवर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी कोई फियांसी हैं, आपके कोई फ्रेंड हैं, देखते हैं उन्हें आप में क्या पसंद है। सो फर्स्ट है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनका यहाँ आपका स्टार साइन हो सकता है। देन वी हैव फोर ऑफ पेंट्स, सेरिस, लियो, सैजिटेरियस, फोर फोर की काफ़ी एनर्जी है यहाँ पे। एंड देन वी हैव डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस, लिब्रा। 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13 नंबर इंपॉर्टेंट है, 44 इनकी अपनी एज भी हो सकती है किसी तरह से, 24 एज हो सकती है। यस, यहाँ पे ये भी साइन नज़र आ रहा है मुझे, 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरह से। ओके, सो क्या पसंद है उन्हें आपने। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पसंद है, जैसे आप लोग काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हो, या आप किसी चीज़ को, जो चीज़ आपकी है आप उस चीज़ में अपना हक जमाते हो कि ये आपकी चीज़ है, वो चीज़ आपके इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है इनको ना। तो लाइक आप लोगों का हर एक इंसान के साथ मिलजुल कर बात करना, मिलजुल के बात करने के साथ साथ उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिहेवियर अपना रखना, लाइक एक बहुत ज़्यादा ना हैप्पीली फेस के साथ किसी इंसान को वेलकम करना, किसी भी पर्सन के साथ आपका ये बिहेवियर देख के उन्हें काफ़ी अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। आप लोगों के अंदर जो एक क्वालिटी है, लाइक जो आप चीज़ों को बैलेंस करके बड़े अच्छे से रखते हो, ये चीज़ें उनको काफ़ी आपके अंदर अच्छी लगती हैं, इम्प्रेस करती हैं उस पर्सन को। आप बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर हो, लाइक आप लोग ना तो किसी के साथ गलत करते हो, ना ही आप अपने साथ गलत होने देते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हर चीज़ को फेयरली आप लोग करते भी हो और दूसरों के साथ करना भी पसंद करते हो, तो ये चीज़ें आपको दूसरों से काफ़ी डिफरेंस लेकर आती हैं, ठीक है, काफ़ी डिफरेंट करती हैं। लाइक इस पर्सन को लगता है जैसे हर एक इंसान में ये चीज़ नहीं होती, सो दैट्स व्हाई दे दिस पर्सन फील्स लाइक कि ये खुद लकी पर्सन है जिसको ऐसा पर्सन मिला है जिसमें ऐसी क्वालिटीज़ हैं। लाइक आपकी एनर्जी और आपकी बिहेवियर ऐसा है कि आप लोग कहीं पे लाइक फर्स्ट टाइम भी गाइस किससे मीटिंग करते हो ना आप लोग, तो आपका उनकी तरफ बिहेवियर इतना अच्छा होता है कि लगता ही नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम किसी इंसान से मिल रहे हो। बहुत ज़्यादा आप एक बहुत ज़्यादा ना लाइक खुले, आप कह लो कि हार्ट के साथ आप लोग दूसरों के साथ डील करते हो, लेकिन आप जो चीज़ आपकी है वो अपनी चीज़ आप समझते हो, उसको आप किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। अवर प्रोटेक्टेड हो आप लोग उन चीज़ों को लेके जो आपके दिल के करीब हैं, जो आपकी हैं। आप लाइक अगर पैसा है तो पैसे को आप बड़े सोच समझ के जो है स्पेंड करते हो, या आप सेविंग बहुत अच्छी करते हो, इस पर्सन को वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। ऐसे फजूल हर चीज़ आप करते हो तो ठीक है, लेकिन आप जो सेविंग आपने करनी होती है आप उस चीज़ में ही बड़े अच्छे हो, और बिना वजह टॉकटिव टाइप, लाइक टॉकटिव एक तो और चीज़ आ जाती है, लेकिन बिना वजह नॉन स्टॉप यू नो ज़्यादा बोलना हर एक इंसान के साथ बिना किसी रीज़न के, वो आप लोगों में चीज़ नहीं है, तो वो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ इम्प्रेस करती है। हर इंसानों को लोगों को जोड़े रखने की क्वालिटी है आप लोगों के अंदर, जो इस पर्सन को आप में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये हर एक इंसान के अंदर ये चीज़ नहीं होती कि हर एक सब लोगों को मिला के रखना, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है आप लोगों की, आप लोग चेंजिंग पसंद करते हो, लाइक टाइम के साथ साथ आप खुद को चेंज करना, खुद को ग्रो करना, खुद को ग्रूम करना, ये आप
पसंद करते हो, ठीक है। हो सकता है आप लाइक जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग फैशन करते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप स्टाइल करते हो अपने आप में, यू नो, ऐसे चीज़ों को कैरी करते हो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के जो अकॉर्डिंगली ट्रेंड के चल रही होती हैं, तो वो चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी इंप्रेस करती हैं, तभी आप लोगों की तरफ ये काफ़ी अट्रैक्टेड भी होते हैं। आप देखते हैं जो चीज़ें उनको आपने नहीं पसंद। अगर आप लोग अगर आप अपने किसी हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो ना, तो जिस तरह आप लोगों ने अपने घर वालों को इकट्ठे से मिला के रखा हुआ है, इनको वो चीज़ काफ़ी इंस्पायर करती है, काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आप लोग घर के एल्डर हो तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप लाइक अगर आप लोग किसी चीज़ को लेके कोई फैसला वगैरह करते हो तो आपका फैसला हमेशा फेयर होता है, किसी के साथ भी अनफेयर नहीं करते हो आप लोग, और ना ही अनफेयर होने देते हो। लेकिन आप पोजेसिव भी बहुत ज़्यादा हो, तो वो चीज़ें शायद इस पर्सन को अच्छी लगती हैं आप लोगों में, किसी चीज़ पे हक जमाना अपना जो आपकी है उस पर। लेकिन आप ज़िद्दी भी हो थोड़े से अपनी पसंद की चीज़ों को लेके, अपनी पसंद की कोई चीज़ है, अपने पसंद का कोई पर्सन है, उसको लेके आप ज़िद्दी हो, थोड़ा रिजिड हो, ठीक है। तो वो चीज़ें इस पर्सन को अच्छी लगती हैं कि अपनी जो चीज़ है आपकी उस पर होना भी चाहिए ये थोड़ा सा ओवर पोजेसिव। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन हैं उनको आप में क्या पसंद नहीं है, उनके डिसलाइक्स क्या हैं आप को लेकर, या क्या उनको नहीं अच्छी लगती हैं, वो क्या चाहते हैं कि आपको चेंज करनी चाहिए, क्या नहीं पसंद लीवर्स के पार्टनर में लगा कौन में। हमारे पास है द टॉवर, एरी स्टार साइन हो सकता है इनका या आपका। देन वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव स्ट्रेंथ लियो, एंड देन वी हैव द सन, अगेन लियो की एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल होना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गाइस। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं पसंद करते। लेकिन इमोशनल होने के साथ साथ ऐसा है कि आप लोग इमोशन फिर एक्सप्रेस नहीं करते हो ज़्यादा, ठीक है। अगर आप किसी इंसान के साथ इमोशनली अटैचमेंट हो, या आप उसको डिफरेंट डिफरेंट तरह से शो करते हो रैदर देन स्पीकिंग, आप इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग आप उस चीज़ को शो करते हो, तो वो ये पर्सन को वो चीज़ थोड़ी सी इरिटेट करती है कि वो ये शायद आप लोगों के ये जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो वो चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करो। वो खुद एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, एक्सप्रेसिव जेस्टर्स को पसंद करते हैं, तो ये चाहते हैं आपको कोई चीज़ है तो आप बोलो। शायद हो सकता है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, या आप तब भी बोलते नहीं हो, बताते नहीं हो उनको कि ये चाहिए आपको, तो ये चाहते हैं कि आप वो चीज़ एक्सप्रेस करो, आप बोलो। आपका हद से ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर वेट करना वो इनको नहीं अच्छा लगता। शायद हो सकता है आप लोग पेशेंस आप लोगों में बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई किसी चीज़ के बारे में आपको वेट करना पड़े, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर अगर आपको वेट करने को कहा जाए आप वेट कर लोगे, आप फिर उसको कुछ कहोगे भी नहीं। तो वो चीज़ें इनको काफ़ी अच्छी लगती हैं। समटाइम्स आप काफ़ी ज़्यादा अरियल हो जाते हो, काफ़ी ज़िद्दी हो जाते हो, काफ़ी स्टबर्न हो जाते हो, काफ़ी हार्श हो जाते हो, वो चीज़ें इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपका हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना और किसी भी तरह की कोई पेन है उसको भी आप लोग बर्दाश्त करते हो, बोलते नहीं हो, तो वो चीज़ें इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो चाहते हैं आप बोलो उन चीज़ों को, हद से ज़्यादा ये भी नहीं है कि आपको किसी तरह की पेन हो रही है या किस तरह का कोई इंसान आपको तकलीफ दे रहा है और आप बोल नहीं रहे हो, एक्सप्रेस करने की बजाय आप उस चीज़ को अपने अंदर लेकर बर्दाश्त कर रहे हो, वो चीज़ें इस पर्सन को नहीं अच्छी लगती, ठीक है। आप चाहे अंदर से दुखी हो, तकलीफ में हो, लेकिन आप ऊपर से अपने आप को प्रिटेंड करते हो, एक्सप्रेस यही करते हो कि आप लोग बहुत खुश हो, बहुत पॉजिटिव हो। समटाइम्स आप परेशान हो भी जाते हो, तो समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्टर्ब कर रही होती हैं मेंटली इंसान को, इमोशनली, लेकिन वो आप बोल नहीं रहे होते, उनके सामने यही आप शो करते हो कि सब कुछ ठीक है, आप खुश हो अपनी लाइफ में, तो वो इस पर्सन को वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती। क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान हमेशा तो खुश नहीं रह सकता, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो आप उनके साथ जो चीज़ें डिस्कस नहीं करते वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है कि आप इस पर्सन को अगर अपना समझते हो या इतनी क्लोजनेस है तो आप बोलते नहीं हो। शायद आप लोगों के अंदर ये आदत नहीं है, आपकी नेचर नहीं है, आपकी हैबिट नहीं है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या अपने दिल की बातें जो हैं पर्सनल स्पेशली वो किसी के साथ शेयर करो। तो ये चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस किया करो, लेकिन आप तो करते नहीं हो, तो ये चीज़ें इनको नहीं अच्छी लगती। हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना किसी भी चीज़ को लेकर वो नहीं इनको अच्छा लगता। अगर आप बीमार भी होते हो तो वो चीज़ें भी आप बर्दाश्त कर जाते हो, आप बहुत ज़्यादा फीवर है या बहुत ज़्यादा किसी जगह आपको पेन है आप नहीं बोलते हो, तो वो इंसान कहते हैं आप बोलो, ये पर्सन चाहता है। तो ये कुछ बातें हैं जो उसको अच्छी नहीं लगती, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग कलेक्शन एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।